नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, जब तक आप देख रहे हैं हमारी खबरों को, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हर एक समाज सेवी गरीबों की मदद के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। जैसे मैं अभी हमारे साथ पुष्पांजलि हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रीतम जुड़ रहे हैं, जो बिना बताए कई दिनों से गरीबों की सेवा में लगातार जुटे हुए हैं। हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर प्रीतम से, इनकी इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे ये डॉक्टर होते हुए भी सामाजिक दायित्व को निभा रहे हैं। डॉक्टर प्रीतम कुमार के द्वारा, जो पुष्पांजलि हॉस्पिटल के मालिक हैं, वार्ड नंबर 6 में तमाम दलितों को आज राशन दिया जा रहा है। दर्शकों, ये बहुत बड़ी मदद कही जा सकती है। डॉक्टर प्रीतम, क्या सोच के आपने आज गरीबों का अन्नदान किया? ये हमारे समाज के वंचित वर्ग हैं और हमारा हक बनता है कि हम इनको देखें। अगर हम नहीं देखेंगे तो उन्हें कौन देखेगा? जी 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 जी, एक सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हम ही लोग के परिवार के पार्ट हैं, तो इनका मदद करना जरूरी है। ऐसे भी अभी जो स्थिति बना हुआ है, इन लोगों को खाना पीने का दिक्कत हो गया होगा और हम लोग पार्ट वाइज इन लोगों को खाना पहुंचाते रहेंगे। एक हफ्ता बाद फिर हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे, फिर इनको ताकि इन लोगों को खाने का कमी ना हो, कोई भूखा पेट ना सोए हमारे गांव में, यही हमारा प्रायोरिटी है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रीतम बोल रहा हूँ। अभी की आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में कोविड वायरस द्वारा जो बीमारी फैली है उसके कारण गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है। ऐसे तो गवर्नमेंट ने अपने तरफ से सारा प्रयास किया है कि किसी को अन्य और अन्य आवश्यक वस्तु की कोई कमी ना हो, फिर भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मुहैया हो पा रहा है, क्योंकि वो रोजमर्रा के काम करके अपने जीविकोपार्जन करते थे, लेकिन अभी वो चीज बंद हो जाने के कारण उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इस चीज को देखते हुए हम लोग ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग जो थोड़ा संपन्न परिवार हैं, जो दूसरों की मदद कर सकते हैं, ऐसा हर आदमी बाहर निकल के आए और इन गरीब परिवारों को जो कि अभी अभी अपना रोजगार नहीं चला पा रहे हैं उनको मदद किया जाए। तो इस श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम लोग ने सोचा कि हम लोग 200 परिवार के लिए खाना मुहैया करवाएंगे। उसमें हम लोग ने 5 केजी चावल, दाल, तेल, बिस्किट, मुरी वगैरह डाल करके ऐसा पैकेट बनाया है जिससे कि कम से कम एक हफ्ता तक उनका परिवार चल सके और लॉकडाउन का पीरियड अवधि समाप्त होने तक उनके परिवार को खाने की समस्या ना हो। हम लोग सेवा डॉक्टर साहब कब तक जारी रखेंगे? हमेशा बना रहेगा, ये लॉकडाउन खत्म हो जाए या बढ़ते जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समय समय पे अंतराल पे हम लोग ये करते ही रहते हैं। ये हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के लिए है कि जो परिवार खुद के अपना से ऊपर या नीचे के किसी को मदद कर सके उसको करते ही रहना चाहिए। ये किसी लॉकडाउन के मोहताज नहीं होते हैं कि लॉकडाउन है तो वो मदद करेंगे या तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा अपने से नीचे के वर्ग के लिए ये करते रहना चाहिए और हम लोग करते भी आए हैं। और आगे पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा जमुई और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा पुत्र डॉक्टर प्रीतम कुमार, जो पुष्पांजलि हॉस्पिटल के मालिक हैं, वो भी मेरे ही तरह एक सामाजिक प्राणी है और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर जो सक्षम लोग हैं वो गरीबों की मदद हेतु आगे आए, उन्हीं के आह्वान पर मैं, मेरा पुत्र और पुष्पांजलि अस्पताल जमुई पटना और झाझा में सभी जगह गरीबों के लिए, वैसे गरीब जो लोग